अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की व्लॉग की शुरुआत मैंने रात से की है। ये मैं रात का खाना बना रही हूँ और अभी मैं पराठा बना रही हूँ। तो ऐसे तो रात में हम लोग क्या रोटी बनती है, मगर आज मन किया तो मैंने सोचा पराठा बना लेती हूँ। तो बस मैं एक एक करके पराठा बना रही हूँ और मैंने इसे स्पीड मोड में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा पराठा का वीडियो बन गया था, तो इसलिए मैंने स्पीड मोड में चला लिया है। तो बस आज मैं पराठे बनाऊंगी और उसके साथ मैंने सोचा है कि कीमा आलू बनाऊंगी। तो मेरी वीडियो में बने रहिए और कल मॉर्निंग की भी वीडियो साथ में ही इसमें ऐड रहेगी। तो देखिए, बस मेरा पराठा होने ही वाला है, बस ये कुक हो गया और मैंने काउंटर टॉप जो था उसे साफ़ कर लिया क्योंकि मुझे मैसी काउंटर टॉप में खाना बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं कीमा आलू की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने एक कुकर में पहले तेल डाल लिया है, तेल जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें आलू को जो मैंने छोटी छोटी कट करके रखे हैं उन्हें डाल करके उसे लाल कर लूँगी। बीच में मैं रूम में आकर के आपको ये दिखा रही हूँ कि देखिए रूम का व्यू कैसा लग रहा है। रूम थोड़ा सा मैसी हो रखा है, एक्चुअली हम लोग सो के उठे थे, थोड़ा लेट हो गया था, मैं सो जाती हूँ थोड़ा, तो क्योंकि रात में क्या होता है ना कि लेट से सोती हूँ फिर मॉर्निंग स्कूल के लिए उठ जाती हूँ। तो दिन में एक टाइम मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि बाबू को भी और ख़ुद भी सो जाऊँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू डाल लिया है और उसे लाल कर रही हूँ, साथ साथ मैं चाय भी बना दे रही हूँ। हमारे यहाँ दो टाइम चाय तो बिल्कुल मस्ट है, एक मॉर्निंग में और एक शाम के टाइम पर। तो यहाँ पर प्याज मैंने कुकर में डाल दिया है, आलू जो मेरे लाल हो गया था उसे मैंने बाहर निकाल लिया था। कुकर का प्याज जब लाल हो जाएगा अच्छे से, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लाल नहीं करती हूँ मैं, बस थोड़ा सा लाल करती हूँ, फिर उसके बाद मैंने सारे उसमें गोश्त डाल दिए, फिर मैंने उसमें एक स्पून नमक डाला, फिर बाकी सारे मसाले मैंने वन ऑन वन करके डालना शुरू किया। जैसे लाल मिर्च मैंने डाला पाउडर के फॉर्म में, और लाल मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा लिए क्योंकि यहाँ पर लोग लाल तीता ज़्यादा खाते हैं। फिर हल्दी मैंने डाला था, ज़ीरा मैंने डाला था, और इस तरह से मैंने सारे मसाले डाल दिए, अदरक लहसुन का पेस्ट सारा कुछ, और उसमें थोड़ा सा उसे चला करके हल्का भून करके, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा ही, क्योंकि वो जब गल जाएगा ना उसके बाद जब कुकर खोलूँगी तब भूनूँगी उसे। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया था और इसको फिर मैंने लीड लगा करके छोड़ दिया था। अब देखिए फर्स्ट लीड मतलब इसका जब कम्प्लीट हो गया अच्छे से, तो मैंने कुकर खोला और इसके मसाले को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। फिर जो मैंने आलू कट करके रखे थे फ्राई करके वो भी मैंने डाल दिया था और मेरा कीमा रेडी हो गया था। ये रात के समय ज़ोरा रेस्टोरेंट से बिरयानी आया था, तो ये पहली बार हम लोगों ने मंगाया था, तो हम लोग चेक कर रहे थे इसमें क्या क्या दिया है। तो काफ़ी कुछ उन्होंने दिया था, रसगुल्ला था, अंडा था, घोल था, सलाद था, और बिरयानी भी अच्छा था, बिरयानी भी देखने में भी अच्छा था, लग भी अच्छा रहा था। अच्छा, तो ये दूसरे दिन का है वीडियो है, वो रात का मैंने वहीं पे फिर व्लॉग एंड कर दिया था। तो ये जुनू ट्यूशन जा रहा था अपने पापा के साथ, तो और धूप भी बहुत ज़्यादा कड़ी थी। अभी तीन दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा धूप है। मतलब जो घर में रह रहे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बाहर जा रहे हैं एग्जैक्ट वही जानते हैं कितनी मुश्किल है। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी तो काफ़ी कुछ गंदा कर रखा था, तो मैंने सोचा तो साफ़ कर लूँ। अच्छा, ये सिंक के नीचे का एरिया, बेसिन का पाइप जो छोटा था ना उसको बढ़ा करके अब मैंने सोचा इसको क्लीन कर दूँ, तो इसके लिए मैंने सिलेंडर और सारी चीज़ें हटा करके उसको क्लीन कर दिया। और इसे आलू प्याज रखने वाले को भी मैंने क्लीन किया था, तो मैंने आलू प्याज वगैरह भी रख दिया था। और देखिए सिंक के पास पूरा साफ़ हो जाने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। सिलेंडर के नीचे हम लोगों ने चक्का लगा दिया है ताकि उसे बाहर निकालने और अंदर करने में प्रॉब्लम ना हो। तो बस मेरा किचन साफ़ हो गया था, इसके बाद फिर मुझे झाड़ू और पोछा करना था। साफ़ हो जाता है किचन तो अच्छा लगता है। और फिर यहाँ जहाँ पे हम लोग आलू प्याज इतने टाइम से रखे हुए थे, ये बेसिन का काउंटर टॉप है उसे भी मैंने साफ़ कर लिया था। तो बस मैं बेड वेड सब ठीक करके अब पोछा लगा रही हूँ। अच्छा जी, झाड़ू का मैंने वहाँ पर स्किप कर दिया था, वो मैं क्लिप नहीं ले पाई, तो फिर मैं पोछा कर रही थी। एक हाथ से कैमरा चलाने, एक हाथ से पोछा करने में थोड़ा टफ पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे ही क्लिप उठाए हैं, ज़्यादा तो मैंने कुछ शूट नहीं किया। और फिर मैं रूम में आ गई। अब रूम में मैंने सब कुछ सेट कर लिया था। ये देखिए मेरा हाथ कट गया था, मेरे हाथ में पोछा से ना प्रॉब्लम हो गया, तो ये मैं पोछा कर रही थी रूम में भी। अच्छा, तो मेरे ससुर जो है ना वो इसका जो डंडा है ना उसको ठीक कर देंगे, इसमें थोड़ा सा वो निकला हुआ था जिससे मेरा हाथ कट गया, और जंग की वजह से मेरा हाथ काफ़ी गंदा दिख भी रहा था, मैं पोछा कर रही थी तो।
तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा। अच्छा, तो बस इस तरीके से मैंने पूरा रूम साफ़ कर लिया, पोछ लिया, और पोछा करने के बाद क्या रूम में फ्रेशनेस महसूस होती है, अगर घर पोछा हो जाए ना तो बहुत अच्छा अच्छा लगता है। तो बस इस तरीके से मैंने सारा कुछ पोछा कर लिया था, क्लीन हो गया था मेरा रूम, और लगभग मेरा सारा काम भी ख़त्म हो चुका था। और बस अब मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि आज फ्राइडे था तो मैंने सोचा कि बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँ और उसके बाद नहा लूँ। तो मिलती हूँ बस आप लोग से थोड़ी देर में। अब मैं नहा के आ गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपना वो आफ्टर बाथ रूटीन दिखा दूँ। तो ये नहाने के बाद मैं यूज़ करती हूँ वैसलिन का कोकोआ बटर बॉडी लोशन, और मैं लोरियल का लीस अनलिमिटेड सीरम है, हेयर सीरम, वो यूज़ करती हूँ, और न्यूट्रीटर्म का मॉइस्चराइजर क्रीम यूज़ करती हूँ। ये चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। आई होप आपको आज का मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मैं कल फिर से ब्लॉग बनाऊँगी, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लाऊँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।